नाउ वॉल्टर्स मॉडल के अंदर जो वॉल्टर ने कहा कि डिविडेंड आपके शेयर की जो वैल्यू है उसको इफेक्ट करता है। यदि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपकी शेयर वैल्यू पे आता है। अब वो इम्पैक्ट कैसे आता है, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट के बेसिस पे, सॉरी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट शेयर वैल्यू पे किस तरीके से आता है, वो वॉल्टर्स ने एक्सप्लेन किया। और वॉल्टर्स ने यहाँ पर कुछ अजम्पशन हमें बताए हैं। अजम्पशन क्या है, दी फर्म डज एंटायर फाइनेंसिंग थ्रू रिटेन अर्निंग, कि फ्यूचर में जो भी फाइनेंस की आपको रिक्वायरमेंट होगी वो रिटेन अर्निंग से ही आप लोगे। यू कैन नॉट इश्यू इक्विटी शेयर, यू कैन नॉट गेट अमाउंट फ्रॉम लोन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लाइक बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। केवल आपके पास एक ही सोर्स है, दैट इज रिटेन अर्निंग। नंबर टू, द फर्म्स बिजनेस रिस्क डज नॉट चेंज विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपके जो फर्म की जो रिस्क है वो चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है रिटेन अर्निंग के बेसिस पे आपने और फंड जनरेट कर लिए जिसके कारण आपका रिस्क फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। दिस इम्प्लाइज दैट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉन्स्टेंट। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दोनों क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। नंबर थ्री, इन द बिगनिंग अर्निंग पर शेयर दैट इज ई एंड डिविडेंड दैट इज डी पर शेयर रिमेन कॉन्स्टेंट, कि आपका अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर दोनों ही कैसे हैं, कॉन्स्टेंट हैं, कि उसके उसमें चेंज नहीं आएगा। यदि अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के अंदर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देंगे जस्ट टू फाइंड आउट कि क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट आपके फर्म पे आता है या नहीं आता, उसकी वैल्यू पे आता है नहीं आता। नंबर फोर इज फर्म हैज इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइफ, कि एक फर्म की परपेचुअल लाइफ है, एक लॉन्ग लाइफ है। ऐसा नहीं है कि ये जो इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर फर्म की लाइफ 2 इयर्स, 3 इयर्स या 5 इयर्स हो, इट हैज परपेचुअल लाइफ और इनफाइनाइट लाइफ। वॉल्टर ने एक फॉर्मूला दिया दैट इज पी इज इक्वल्स टू डी प्लस आर अपॉन के ई ब्रैकेट ई माइनस टी होल डिवाइडेड बाय के। दैट मींस पी इज व्हाट, मार्केट प्राइस पर शेयर, कि हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। किसके बेसिस पे, इन सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। डी इज इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर, ई इज इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर, आर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कौन सा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम आईआरआर बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कि कंपनी को मिलता है, कि एक कंपनी जब उस अमाउंट को फर्दर इन्वेस्ट करती है तो कंपनी को जो रिटर्न मिलता है दैट इज आर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कंपनी में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है उसके अगेंस्ट शेयर होल्डर्स को कंपनी जो अमाउंट पे कर रही है दैट इज के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वॉल्टर्स मॉडल एक्सप्लेन, अब इन्होंने कुछ यहाँ पर बताया हुआ है क्या, कि एज पर द फॉर्मूला इफ आर इज इक्वल्स टू के ई, या क्योंकि यहाँ पर देखिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी आप लोगों से फंड जो है कलेक्ट कर रही है, कंपनी उस फंड को आगे इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्ट करने से कंपनी को वहां पे गेन हो रहा है, कंपनी का जो गेन है दैट इज नॉन एज आर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यस और नो। और कंपनी जो शेयर होल्डर्स को पैसा दे रही है दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने आप लोगों से 10% रेट पे 1 लाख रुपी लिया, उस 1 लाख रुपी को मैं फर्दर कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आई एम गेटिंग 15%, तो 15% इज माई आर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और आपको जो मैं पे कर रहा हूँ दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहां पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है इफ आर इज ग्रेटर देन के ई, कि यदि आर की वैल्यू के ई से ज्यादा है, आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, उस केस में आपको क्या करना चाहिए, द कंपनी शुड रिटेन ऑल अर्निंग्स एंड इन्वेस्ट इन अवेलेबल प्रोजेक्ट। ऑब्वियस बात है, जब लाइक मैंने अभी एग्जांपल दिया आप लोगों को,
कि मैंने 10% रेट पे आप लोगों से पैसा लिया और फर्दर उसको आगे इन्वेस्ट किया एंड आई एम गेटिंग 15%। तो यहाँ पर मुझे 5% एडिशनल मिल रहा है, क्योंकि तो मेरे को उस अमाउंट की कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज 10%, और मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है, 15%। तो उस केस में जो प्रॉफिट हुआ, मैं फर्दर उसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करने के बजाय उसको आगे और इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को तो केवल 10% पे करना है, और जबकि मुझे बेनिफिट कितना हो रहा है, 15%। तो जो भी रिटेन अर्निंग मैंने आपको रखी, उस रिटेन अर्निंग पे अगेन आई एम गोइंग टू गेटिंग 15% प्रॉफिट एंड आई एम गोइंग टू पे ओनली 10%। तो यहाँ पर वॉल्टर मॉडल इज सजेस्टिंग कि जब रेट ऑफ रिटर्न आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप पूरी रिटेन अर्निंग को आप अपने पास रख लोगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। सेकेंड इज वॉट, इफ आर इज लेस देन के, कि आपका जो रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, दैट इज लेसर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो इन दैट केस कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल द अर्निंग। कंपनी को क्या करना चाहिए, सारी अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए एज अ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको प्रॉफिट कम हो रहा है और आपको उसके अगेंस्ट पे ज्यादा करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगेन वर्थ 1 लाख रुपी आपसे लिए और वो 10% पे लिए और मैंने उसको फर्दर इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद आई एम गेटिंग ओनली 8%। अब यदि उस 8% जो प्रॉफिट हुआ, यदि मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, तो उस केस में उस 8% जो प्रॉफिट है उसके ऊपर भी मुझे आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। तो मुझे कॉस्ट देना पड़ रहा है 10%, जबकि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, केवल 8%। तो उस केस में मैं उस कॉस्ट को मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, उस डिविडेंड को मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। थर्ड केस इज व्हेन आर इज इक्वल टू के, कि जब आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोथ आर सेम, उस केस में ये मैटर नहीं करता कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो या मत करो, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन बनी है वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे है। तो इस केस में आपको आपके जो शेयर की जो प्राइस है, ना तो वो इंक्रीज होगी ना वो डिक्रीज होगी। अब तो फर्स्ट वाला केस क्या कहता है कि यदि आपकी रिटेन अर्निंग ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो यदि आप उस अर्निंग को अपने पास रख लोगे, रिटेन अर्निंग को अपने पास रख लोगे, तो आपके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जितनी कम रहोगे आपके शेयर्स की वैल्यू उतनी कम इंक्रीज होगी। यहीं पे यदि आपकी रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है, उस केस में यदि आप क्या करते हो, अपने इन्वेस्टमेंट को अपने जो आपको रिटेन हुआ, जो प्रॉफिट आपको हुआ, आप उसको शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो एज अ डिविडेंड, तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ सकती है। अगर आपने उसको अपने पास रख लिया, तो ड्यू टू लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, आपके शेयर की जो प्राइस है, शेयर की जो वैल्यू है, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला केस सजेस्ट कर रहा है कि आपका डिविडेंड पे आउट जितना ज्यादा होगा, उतने आपके शेयर की वैल्यू होगी, और सेकंड केस में आपका डिविडेंड पे आउट जितना कम होगा, सॉरी फर्स्ट वाले केस में आपका डिविडेंड पे आउट जितना कम होगा उतने शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, और सेकंड वाले केस में आपका डिविडेंड पे आउट जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी वैल्यू, शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी, और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इसको हम एक एग्जाम्पल से पहले डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मेरे पास में तीन अलग अलग कंपनीज हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। ए लिमिटेड का जो आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, या वी कैन से रिटर्न है, वो 15% है। बी का रिटर्न है 5% और सी का रिटर्न है 10%। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों कंपनियां अलग अलग है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटेन अर्निंग। सेकंड केस में सेकंड चीज यहाँ पे दे रखी है, इंफॉर्मेशन दे रखी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, तीनों कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, दैट इज सेम 10% 10% 10%, और यहाँ पे अर्निंग भी सेम है, 8 रुपी 8 रुपी 8 रुपी। अर्निंग व्हाट, जो हमें प्रॉफिट हुआ पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अब क्या कर रहे हैं हम, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि यदि हम डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% रखें, तो शेयर की प्राइस क्या होगी ए लिमिटेड की,
75 रखें तो ए लिमिटेड की शेयर की प्राइस क्या होगी, यदि 25% रखें तो शेयर की ए लिमिटेड की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली बी के पे इंपैक्ट क्या आएगा, सी पे इंपैक्ट क्या आएगा। यहाँ पे अच्छी बात यह है, देखो यहाँ पर आर इज ग्रेटर देन के ई, आर इज लेस देन के ई और आर इज इक्वल्स टू के ई। यहाँ पर तीनों केस में फर्क है। फर्स्ट केस में आर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ पे आर ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, बी वाले के अंदर आर इज लेसर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी और थर्ड वाले में आर इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब ऑन द बेसिस ऑफ जो फॉर्मूला, जो हमें वॉल्टर ने फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया। फॉर्मूला क्या था, पी इज इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन के ई विद इन ब्रैकेट ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय के ई, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। अब पी इज इक्वल टू, क्योंकि फर्स्ट वाला केस था हमारा 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%, तो हमारा जो अर्निंग थी वो 8 रुपी थी, 8 रुपी का 50% 4 रुपी, इसका मतलब हम 4 रुपए का डिविडेंड देना चाह रहे हैं। तो डिविडेंड हमारा 4 रुपए है, अर्निंग हमारी 8 रुपए है, आर हमारा 15% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है। तो हमने इस फॉर्मूले के बेसिस पे जब हमने प्राइस कैलकुलेट की तो प्राइस निकल के आई है 100 रुपी, कि यदि आप 50% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, 8 रुपए में से 4 रुपए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो हमारे जो शेयर की जो वैल्यू निकल के आ रही है, प्राइस निकल के आ रही है, दैट इज 100 रुपी। सिमिलरली हमने बाकी सबके लिए भी कैलकुलेट किया। जब हमने 75% के लिए कैलकुलेट किया कि मतलब हमारी अर्निंग 8 रुपए थी, उसमें से 75 हम एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 8 रुपए का 75% में 6 रुपी, तो यहां पर हम डिविडेंड ज्यादा पे कर रहे हैं। अगर हमने डिविडेंड ज्यादा पे किया तो देखो प्राइस कितना वैल्यू आ गई, 90 रुपी। और जब हमने डिविडेंड 25% ही पे किया तो हमारी प्राइस हो गई 110 रुपी। इसका मतलब जब आर ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, उस केस में जितना ज्यादा आप डिविडेंड पे करोगे उतने आपकी शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, और जितना कम आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतने आपकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यहां पे हम चेक करते हैं, लुक एट हेयर, यदि हम 75% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 75% का मतलब हो गया 6 रुपये हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। अब 6 रुपये के अकॉर्डिंग जब मैंने यहां पर वैल्यू कैलकुलेट की इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वैल्यू आई है 90 रुपी। सिमिलरली यदि मैं 110 रुपी में यूज करता हूं, तो सॉरी 25% में डिविडेंड पे आउट करता हूं, डिविडेंड देता हूं, तो 25% ऑफ 8 रुपी, दैट मीन्स 2 रुपए में डिविडेंड दे रहा हूं, तो मेरी शेयर की प्राइस कितनी है, 110। कैसे, कि मैंने यहां पर 25% पे किया, 25% ऑफ अर्निंग दैट इज 8 रुपी, दैट इज 2 रुपी इज माई डिविडेंड, तो डिविडेंड 2 रुपए हो गया, अर्निंग 8 रुपए हो गई, और मेरी रिटेन अर्निंग कितनी है, 15%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, दैट इज 10%, तो उसके बेसिस पे प्राइस निकल के आई है 110 रुपी। तो यहां पर क्या देखने को मिला कि जब आपकी रिटेन अर्निंग ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो जितना ज्यादा आप डिविडेंड पे करोगे आपके शेयर की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, और जितना कम आप डिविडेंड पे करोगे आपके शेयर की वैल्यू उतनी इंक्रीज हो जाएगी। यदि मैं बी लिमिटेड की बात करता हूं, तो बी लिमिटेड के अंदर यहां मेंशन कर रखा है कि यदि, क्योंकि यहां पर रिटेन अर्निंग 5% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10%, मतलब आपकी अर्निंग कम है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है, अर्निंग कम है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है, तो उस केस में क्या वॉल्टर ने कहा कि जितना ज्यादा डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपकी शेयर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखो मैंने 75% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब तो मेरी वैल्यू कितनी आई है, 70%, और जब मैंने 50% जब मैंने 25% डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब कम से कम डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मेरे शेयर की वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब जब आपकी अर्निंग कम है और आपकी कॉस्ट ज्यादा है, उस केस में आपको एज मच एज पॉसिबल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जब आपकी अर्निंग ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो उस केस में आपको कम से कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जब आपकी अर्निंग
और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों सेम हो जाएगी, उस केस में आप चाहे डिविडेंड कितना भी डिस्ट्रीब्यूट करो, आपकी प्राइस रिमेन सेम। देखो यहाँ पर तीनों ही केस में, जब डिविडेंड पे आउट 50% है, जब 75% है, जब 25% है, ऑल थ्री केसेस के अंदर यहाँ पर वैल्यू कितनी है शेयर की, दैट इज 80 रुपी। तो इट्स ऑल अबाउट वॉल्टर्स मॉडल, जो वॉल्टर ने कहा कि आपके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट किस पे आता है, आपके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट आता है आपके शेयर की प्राइस पे। लेकिन कब, यहां पर उन्होंने उसको रिलेट कर दिया था अर्निंग पे और कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे। यहां पर कुछ क्रिटिज्म है इसके, वॉल्टर्स मॉडल के। नंबर वन इज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय रिटेन अर्निंग, कि ऐसा जो उन्होंने अजम्पशन दिया कि हम तो पूरा के पूरा जो फाइनेंस है उसकी रिक्वायरमेंट उसको हम फुलफिल करेंगे किससे, रिटेन अर्निंग से। इट इज नॉट लाइक दिस, आपकी रिटेन अर्निंग्स के बेसिस पे आप अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते। नंबर टू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैन नॉट बी कांस्टेंट। जो यहाँ पे कह रहे थे ना कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोथ मस्ट बी कांस्टेंट, जबकि ऐसा नहीं है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे चेंज होता है, आपके जो इन्वेस्टमेंट करोगे आप, यदि आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो आपके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे इम्पैक्ट आएगा। सिमिलरली आपके इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट आपके रिस्क पे भी आएगा, और रिस्क पे जब आएगा तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज होगी। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा, जबकि इन्होंने अजम्पशन क्या दिया कि बोथ आर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ये तीन क्रिटिज्म है किसके, वॉल्टर मॉडल के। तो ये इट्स ऑल अबाउट वॉल्टर्स मॉडल।